आप लोग टॉयलेट के लिए कहाँ जाते हो? घर। क्यों जाते हो घर? हमारे यहाँ टॉयलेट ही नहीं है। जो टॉयलेट कहाँ था पहले? नहीं था पहले भी? नहीं। अच्छा, तो अभी घर क्यों घर जाते हो? तो क्या बोल के जाते हो सर से? सर टॉयलेट जाना। टॉयलेट जाना है तो घर चले जाओ बोल देते सर जी। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, इसके लिए क्या बोलते हैं, आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या शिकायत की है? पंचायत में भी दो तीन बार दे दी है, क्योंकि उनको आदेश था है पंचायत के द्वारा शौचालय बनाए जाते हैं, तो उनके द्वारा भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। BO BRC और प्राचार्य महोदय सबको सर अभी पिछले महीने में हमें जनसुनवाई में भी आवेदन देते आए। और सर जैसे कि जनसुनवाई में दिए हो आपने, बट इसके अलावा प्रिंसिपल सर का क्या कहना है, संकुल प्रभारी का? प्रिंसिपल साहब का कहना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कभी जमीन का विवाद है तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिए आपने बताया? प्राथमिक पंचायत में भी दे दिए, BRC महोदय को भी अवगत करा दिए, DO को दे दिए और AC साहब को, कलेक्टर साहब को दे दिए। थैंक यू सर। नहीं होने से हमको इतनी दिक्कत होती है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है, बच्चे घर जाते हैं और घर उनका दूर होने के कारण वो दोबारा वापस नहीं आ पाते हैं, ऐसी स्थिति में उनका शिक्षण का प्रभावित होता है। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये समस्या का निराकरण हो। इसके पहले पुराना स्कूल जो था हमारा, वहाँ पर शौचालय था, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों ने वहाँ कब्जा कर लिया, उस शौचालय के गटर में मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में अब हमारी संस्था है कि शौचालय विहीन हो गई, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है या तो फिर डिब्बा लेके नदी तरफ जाएंगे या घर, तो हम घर जाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि जंगल में बाहर नदी नाले में तो भेज नहीं सकते, ऐसी स्थिति में उनको घर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। Yeah.